तुलत मेटल दादा आला सबसे पहले हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। अभी मैं कृष्णा मेंढे, यश अंबरकर, स्वामी भूषण, इन सबके रूम में हूँ। मैं अभी इस हॉस्टल में रहता नहीं हूँ, लेकिन हम लोग फेस्टिवल्स के दिन आ सकते हैं, तो इनके रूम में मैं आया। लेकिन जो जितना सुंदर उन्होंने बनाया है, एक बार ये देख, उन्होंने प्रॉपर फ्रेम कराई, जो एक लक्ष्मी जी की मूर्ति जो है उसका उन्होंने प्रिंट निकाला, उसको फ्रेम कराया, इतना बहुत सुंदर किया, प्रॉपर प्रसाद बनाया, रोटी, सब्जी, चावल, खीर, शीरा मतलब हलवा, गुलाब जामुन, दाकोरी, भंडे चाय पाई कि नहीं, जितने भी लोग हैं जो बाकी रोड सिटी के होंगे या औरंगाबाद के भी होंगे, अपने तरफ से ट्राई किया करो कि जो इंडियन फेस्टिवल से तुमसे छूटे ना। मतलब ये जो इंटरेस्ट, ऐसा नहीं करना कि यार हम घर से दूर है और अभी कैसे करेंगे, तो वो कभी मन में लाना ही नहीं। तुम इसको बनाओ, तुमसे जितना होता है उतना अच्छे से उसको सेलिब्रेट करो। इकड़े रे, हाँ तुम्हें कस तुमके डोके तले केला पाहिजे, क्योंकि कृष्णा ने मैसेज किया था कि भैया हम लोग सेलिब्रेट, ये तो बस कि हम लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं नहीं, तो सर तुम्हारे दिमाग में कैसा है कि करना चाहिए ऐसा? काही नहीं, हॉस्टल मध्ये नेहमी पास होतो। हां ट्राई कर, हॉस्टल में हमेशा ऐसे प्रोग्राम होता है, भैया वगैरह थे नहीं, हमको भी रूम में कुछ करना था, हमने जितना हो सका उतना करने की कोशिश की है। वैसे ज्यादातर तो इसने ही किया है भैया, सब कुछ इसने किया है। चीता बोल ले 40 रोटी बोलता है। हमने डिसाइड किया था कि ये रूम में सिर्फ 4 जन रहते और मतलब 6 जन मिलके बना लेंगे। फिर हमारी क्लासेस में डिस्कशन वगैरह हुई और पूरा ग्रुप इन्वॉल्व हो गया। हम 17 जन सबने मिलके कॉन्ट्री करके, मतलब डेकोरेशन का सामान हुआ या फिर सीट्स हुए, सब एक एक करके बनाया। आज दोपहर 12 बजे से ही सब प्रिपरेशन चालू कर दिए थे हम लोग। उसके बाद फर्स्ट ईयर की नई बैच आई थी, उन्होंने भी हेल्प किया, वो हमारे साथ ज्वाइन हुए। फिर हम 40 जन मिलके हमने आरती की, सब मतलब घर की याद नहीं आई, बस उतना ही था। गए घर की याद आनी चाहिए गाइस। हाँ आनी चाहिए, इतना भी नहीं कर देगा कि घर की याद ही नहीं आ रही। घर की याद आ रही है। लेकिन ये मैं ये बोल रहा हूँ कि ये नहीं सोचना कि यार हम लोग घर से दूर है क्या करें, नहीं, तुमसे जितना बनता है उतना करो। ये त्योहार अपने छुटने नहीं चाहिए, ये बहुत नए कपड़े पहनो, जैसे अभी वैष्णो ने पहने। चेंज कर ली तो जल्दी, किराए के कपड़े थे गाइस, इसलिए किराए के कपड़े था पहने, खुद के कपड़े तो अपने ज्यादा पहन सकते। ये सानिया रखो। हॅपी दिवाळी सर्वांना, खूप साऱ्या शुभेच्छा। लोकेश दादा आला म्हणून मला खूप चांगलं वाटतं। दिवाळी आपण काय साजरी करतो? लोकेश दादा दिवाळी आपण काय साजरी करतो? आउट फॉर द सांग या काय म्हणते नथ, हा नथ ये सांग, जोरात सांग नथ म्हणते, ये काय म्हणते? झुमके बांगड्या साळी। अजून सानिया फर्स्ट ईयर से पढ़ाई में ही लग गई, और पढ़ाई में ही इतनी लग गई कि पढ़ाई के सिवा कुछ दूसरा दिखता ही नहीं। ये राम है, राम तू बता, राम भी मुंबई का ही है। दिवाली तू मुंबई में कहाँ से है? मैं बांद्रा से हूँ, मुंबई। आउटफिट से कोई मैटर नहीं करता, ये मेरा साउथ इंडियन आउटफिट है, तो मेरे को कोई इसमें शर्म नहीं है। शर्म का नहीं है, मेरे को बहुत इच्छा से लूंगी पहनने की, पहनूंगा। एक्चुअली ब्लैक नहीं पहनते, छोटे डर ऑप्शन नहीं था इसलिए ब्लैक पहना। स्वामी ए इकडे, सगळ्यांना दिवाळीच्या शुभकामना मराठी, इकडे मराठी मध्ये सगळ्यांना दिवाळीच्या शुभकामना। दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा सर्वांना, आमदार स्वामी कडून, सर्वांकडून मराठी शुभकामना।
लक्ष्मी पूजन चा दिवाड़ी चा धनतेरस चा लक्ष्मी पूजन दिवाड़ी एक गोष्ट पूर्ण पाच दिवस पाच दिवस घे नाव घे तू घे सत्यनारायण पूजा धनतेरस चा भाऊबीज आहे ना उद्या भाऊबीज असते धनतेरसच्या लक्ष्मी पूजनच्या भाऊबीजेच्या दिवाळीच्या हार्दिक शुभकामना तुमच्या घरी दिवाळी सुखरूप आणि फटाके फोडा कंट्रोवर्शियल पोल्युशन काही नाही फटाके फोडा यस ये शुभेच्छा दे सगळ्यांना माझ्याकडून दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा आमच्याकडून सगळ्यांना दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा शुभ दीपावलीच्या सगळ्यांना आमच्याकडून शुभ दीपावली सगळ्यांना आमच्याकडून शुभ दीपावलीच्या हार्दिक शुभेच्छा भाऊबीजच्या कोण दिन भाऊबीजच्या मी दे हा सगळ्यांना आमच्याकडून शुभ दीपावली व भाऊबीजच्या सगळ्यांना आमच्याकडून शुभ दीपावली व भाऊबीजेच्या हार्दिक शुभेच्छा तुम्हाला व तुमच्या समस्त परिवारजनांना माझ्याकडून आणि आमच्या युनिव्हर्सिटीकडून दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा खूप छान स्टे सेफ अँड एन्जॉय युअर दिवाळी.